ladies and gentlemen, welcome to the clinic of Mr. Psycho. भैया एक बात का जवाब दो। आपको लगता है कि इनकम थोड़ी सी कम है, आपको लगता है कि सेविंग थोड़ी सी कम है, आपको लगता है कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि घर थोड़ा छोटा है। बोलो ऐसा लगता है ना, तो मेरा ये कहना है इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको, ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं मुकेश अंबानी को भी लगता है। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो भैया और मौज में रहो। आपको लगता है कि कमर थोड़ी मोटी है, आपको लगता है कि हाइट थोड़ी छोटी है, आपको लगता है कि पेट थोड़ा बड़ा है, आपको लगता है कि वेट थोड़ा बढ़ा है। बोलो ऐसा लगता है ना, तो मेरा ये कहना है इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको, ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं कतरीना कैफ को भी लगता है। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो महिला और मौज में रहो। आपको लगता है कि सास मेरी लुच्ची है, आपको लगता है कि ननंद मेरी तुच्ची है, आपको लगता है जेठानी मेरी नागन है, आपको लगता है देवरानी मेरी डायन है। बोलो ऐसा लगता है ना, तो मेरा ये कहना है इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको, ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं दुनिया की सभी औरतों को लगता है। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो, मजे करो महिला और मौज में रहो। आपको लगता है कोरोना ने बैंड बजाई है, आपको लगता है चाइना ने वाट लगाई है, आपको लगता है काम धंधे पे बम्बू चढ़ गया है, आपको लगता है आपको कोरोना लग गया है। बोलो ऐसा लगता है ना, तो मेरा ये कहना है इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको, ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी लगता है। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो,